नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ अंकिता और आइए अब खबर देखते हैं विस्तार से। बैराड़ तहसील क्षेत्र में खेतों में कटी रखी सोयाबीन, उड़द और मूंगफली की फसल हुई खराब। अतिवृष्टि से खेतों में खड़ी टमाटर और हरी मिर्च की फसल भी हुई बर्बाद। भारतीय किसान संघ ने की खराब हुई फसलों के जल्द सर्वे मुआवजे की मांग। बैराड़ तहसील क्षेत्र में पिछले दो दिनों से हो रही भारी बारिश के चलते खेतों में कटी रखी किसानों की सोयाबीन, उड़द और मूंगफली की फसल बर्बाद हो गई है। भारी बारिश के चलते स्थिति यह है कि किसानों के खेतों में कटी रखी फसल खेतों में भरे पानी में तैरती हुई नजर आ रही है। अतिवृष्टि के कारण टमाटर और हरी मिर्च खड़ी फसल में भी भारी नुकसान हुआ है। भारतीय किसान संघ ने सरकार से मांग की है कि बर्बाद हुई फसलों का प्रशासन जल्द सर्वे कर किसानों को उचित मुआवजा दे, अन्यथा की स्थिति में भारतीय किसान संघ आंदोलन करेगा। देखिए ये रिपोर्ट। ग्राम जोराई में एक फसल हमारी बहती नजर आ रही है। इसमें फसल में कुछ भी अवशेष बचा नहीं है, देख सकते हैं आप। मैं जा रहा हूँ, ये पानी में से निकलता हुआ देखो, गल्ला भी रखा है और कटा भी डला है, तो गल्ले की हालत देखो। ए ये पानी बह रहा है सोयाबीन से, देखो इसमें कुछ भी नहीं बचा है। ये देखो, ये कुछ भी इसमें बचा नहीं है, पूरा सड़ गया है, खराब हो गया है। हम किसान क्या करें अब। ये देख सकते हैं सोयाबीन की फसल में, ग्राम जोराई में पानी हो गया है, बिल्कुल नष्ट हो गई है फसल सोयाबीन की। ये पानी में तैरते हुए अब कुछ बचा नहीं है सोयाबीन में, देखो कहीं दूर दूर तक पानी भरा है खेतों में पूरे में, ग्राम जोराई में। बैराड़ से खबर समय जगत के लिए सतीश ठाकड़ की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।